कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोर में एक घर में लश्कर तैयबा के दो टेरिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी क्योंकि घर में सिविलियन था, तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले निकाले, फिर ऑपरेशन जारी हुआ। आज दोपहर में ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन में दो हार्डकोर टेरिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का, एक तो उमर मुश्ताक खांडे जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे, दूसरा शाहिद बशीर सीनियर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन के लिए इन्वॉल्व था। उमर मुश्ताक खांडे बागस नगर में इसी साल दो पुलिस वाले पर अटैक किया था जिसमें दोनों की जान चली गई थी। उसके बाद इसके पीछे हम लोग पड़े हुए थे। और शाहिद जो बशीर है, और इसके अलावा जो चार टेरिस्ट सिंगर सिटी था, ये पांचों सीरीज ऑफ सिविलियन के लिए इन्वॉल्व था। तो कल एक पुलवामा मारा गया शाहिद, बशीर मारा गया, तंजील मारा गया सिंगर सिटी में, आज फिर पामपुर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो पाँच जो लोकल टेरिस्ट था सिंगर सिटी था, उसमें से तीन मारा गया है। और ये पुलिस के लिए बहुत और सिक्योरिटी फोर्स के लिए कामयाबी भी है। और जब से सिविलियन किलिंग शुरू हुआ है तब से हम लोग टोटल 9 इनकाउंटर किए, उसमें 13 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें एक जेएस का टॉप कमांडर था शाम मारा गया है, तो जो पामपुर त्राल में, और आज मुश्ताक खांडे मारा गया। तो एलईटी और जेएस का दो टॉप कमांडर मारा गया सर, इसमें। कितना सेटबैक है लश्कर टेरिस्ट के लिए? बिल्कुल लश्कर के लिए सेटबैक था ही, और हम लोग इस ऑपरेशन को आगे जारी रखेंगे। सर, ये जो सिविलियन कर रहे थे, मकसद क्या था इनका पाकिस्तान के साथ? ऑब्वियसली सिविलियन जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट होते हैं, और इससे लोगों में भय वातावरण फियर साइकोसिस बढ़ता है, लोग डरते हैं, इसलिए जानबूझ के पाकिस्तान के सारे पैसा किया जा रहा है।